सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर गांव के दबंगों ने दलित परिवार के साथ की मारपीट। खनिया थाना के अंतर्गत बामोर कला थाना क्षेत्र के रिजौदी गांव में सरकारी जमीन पर बुवाई करने को लेकर दबंगों ने दलित परिवार के लोगों पर हमला बोल दिया है। इस हमले में दलित परिवार की महिला सहित चार लोग घायल हुए हैं। बामोर कला थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट व हरिजन एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया। जानकारी के अनुसार रिजौदी गाँव की रहने वाली वर्षा जाटव ने बताया कि गाँव के बाहर सरकारी जमीन है। उक्त जमीन पर कई ग्रामीण सालों से खेती करते आ रहे हैं। हम भी उसी सरकारी जमीन पर खेती करते थे। हमारे पास सरकारी जमीन पर कुछ खास हमारी सरकारी जमीन पर यादव समाज के लोग खेती करते थे। आज मेरे परिवार ने खेती में तिल्ली की बोनी कर दी थी, जिसके बाद आज हमारी ज़मीन पर बोई हुई तिल्ली को उजाड़ने का प्रयास किया। गाँव के ही रहने वाले विजय यादव, जगदीश यादव, भूपेंद्र उर्फ भूरा यादव एवं रविंद्र यादव ने किया। जब उन्हें बोई हुई तिल्ली की फसल उजाड़ने से रोकने का प्रयास किया तो चारों ने मिलकर मेरे ससुर बाबू जाटव, मेरे देवर बलवीर और मेरे पति मनोज के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें मैं और मेरे परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी शिकायत बामोर कला थाने में पहुँच कर दर्ज कराई। फिलहाल बामोर कला थाना पुलिस ने विजय यादव, जगदीश यादव, भूपेंद्र उर्फ भूरा यादव और रविंद्र यादव के खिलाफ मारपीट व हरिजन एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत विवेचना में लिया। भैया बलवीर, भैया आप यहाँ पर आए हो थाने में, क्या मामला है? सर रिपोर्ट कराने आए। क्या हो गया था रिपोर्ट कराने? क्यों आए? झगड़ा हो गया। किससे हो गया? बलवीर यादव। ये कहाँ के हैं? रिजौदी। किस बात पे लेके झगड़ा हुआ? कल हमने बह दी थी, आज बिन्ने हमारी फिर दोबारा बहने लगी। अच्छा, तो ये जमीन किसकी थी? जमीन पहले पुरानी हमारी थी, इनकी अलग से थी बगल से। और ऐसा सुनाई में आ रहा है कि ये जमीन सरकारी थी? हाँ सरकारी थी। सरकारी तो सर पूरे सबरे करम मोहल्ला में 100-100 बीघा, 50-50 बीघा। नाम है? शिशुपाल सिंह यादव। आपके यहाँ पर एक लड़ाई हुई है, क्या मामला था? ये मामला जमीनी विवाद का मामला हुआ है। तो ये जमीन किसकी थी? जी सर, मेरी पत्नी वहाँ की सरपंच, में सरपंच पति हूँ। मुझे सुबह 10 बजे सूचना मिली कि ए बाबू सिंह की मारपीट, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन लगाया है कि हरिजनों की बहुत ज़बरदस्त ताबड़तोड़ पिटाई हो गई है। तो आप अभी बामोर कला थाने आए हो, यहाँ पे FIR दर्ज हो गई है? जी FIR दर्ज हो गई है। कार्रवाई हो गई है। भाई बड़ा, ये आपके सर में जो लगी है चोट लगी है, क्या हो गया? सर जी हमने कल तिली बेदाई थी, जिनने पहले कह दी कहीं बेलो, और तो जब पहले उनको खेता तो हमारे पुराने दादा ने था जो कौन से जो कराते हैं बहुत ने 10-12 साल से, और ऐसे जो हमने तिली बेदाई जो आए तो कौन आया? बल्लू याद अब तो नहीं आते, वे तो काल डंडू बेर के भागे हैं और कही कि हम तुम्हें चोरी को इल्जाम लगाए तो दुकान फैला के डाल दी पूरे में, और ऐसे हमें मारेंगे मुँह में तो एक लट दो मुँह बेहोश कर दी, दो जन ये आगे से दो एक पीछे से दो, दिन तो मुँह तो एक लट को पता है, दूसरी लट को मुँह नहीं पता, जब को लज्जा दई थे जनों के लगी को लज्जा की 10 बजे से खून बेद रहे तो 12-1 बजे थे। तो आप अभी थाने में आई हो, आपकी रिपोर्ट हो गई है? हो गई। किसकी जमीन पे बहने गए थे आप? किसी की नहीं आती सर, वो तो बेबी वो करे थे, वो हम भी करे थे, जमीन सरकारी थी। सर हमें पहले 5 बीघा आती जो इनने हमें से पैसा ले ला कही हम करवाए दे, जिनने हम वो के चढ़ा लो हमें वो ऐसे भगा दा, तो हम सुन भगे हमने कछु नहीं कही, वो ये तो ही आ गए तो ये तो ये जा चढ़ा रहे हो कह रहे हम तो वही और भी जगह चढ़ा ले गई।